नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा वर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। जनपद में राप्ती और घाघरा नदी के खतरे के निशान से ऊपर बहने से नहीं कम हो रहा है बाढ़ का पानी। एडीएम फाइनेंस एवं आपदा प्रभारी ने कहा, जनपद में करीब 200 गांव बाढ़ से है प्रभावित। जिला प्रशासन और आपदा विभाग की तरफ से पर्याप्त की गई है व्यवस्था। ट्रकों का तिरपाल काटकर माल चोरी करने वाले संगठित गैंग के फरार शातिर सरगना 15,000 के इनामिया गैंगस्टर हिमांशु शाहनी को गीडा पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। एसपी नॉर्थ ने दी जानकारी। अपराध से अर्जित की गई संपत्ति से गैंगस्टर खलीलुर रहमान द्वारा अपनी पत्नी रोजीना बेगम के नाम से खरीदे गए एक क्विक चार पहिया वाहन को कैंट थाने की पुलिस ने डीएम गोरखपुर के आदेश से किया कुर्क, किया वाहन को कैंट थाना के परिसर में खड़ा। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस की थीम मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण को वैश्विक प्राथमिकताओं पर गोष्ठी का किया गया आयोजन। कहा, अगर मानसिक रोग के दिखे लक्षण तो बिना देरी और निसंकोच अस्पताल के लिए मदद। पिपरौली ब्लॉक के प्रथम ब्लॉक प्रमुख स्वर्गीय रामजादा सिंह की मूर्ति का मुख्य अतिथि उप लोकायुक्त उत्तर प्रदेश दिनेश कुमार सिंह ने किया अनावरण। कहा, स्वर्गीय रामजादा सिंह ने 1966 में विकास से पिछड़े क्षेत्र में विद्यालय की स्थापना करके किया एक पुनित कार्य। नगर निगम के चुनाव की तैयारियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी की बैठक हुई संपन्न। वन मंत्री एवं नगर निगम चुनाव के प्रभारी डॉ. अरुण सक्सेना ने कहा, भाजपा कार्यकर्ता विशेष मतदाता पुनरीक्षण अभियान में घर घर जाकर करे संपर्क, धरातल पर हम करेंगे कार्य तो हमें मिलेगी बहुत बड़ी जीत। आयुष विभाग द्वारा मंडलीय स्तरीय भाषण प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। कहा, मनुष्य जीवन में निरोगी रहना चाहता है तो एलोपैथ से दूर जाना होगा और आयुर्वेद की पद्धति को अपनाना होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन पर दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का महाराणा प्रताप महाविद्यालय में हुआ शुभारंभ। मुख्य अतिथि सीएम योगी के शिक्षा सलाहकार एवं यूजीसी के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर धीरेन्द्र पाल सिंह टीपी सिंह ने कहा, श्रेष्ठ भारतीय परंपराओं के अनुकूल विद्यार्थियों को वैश्विक नागरिक बनाना राष्ट्रीय शिक्षा नीति का है उद्देश्य। अवैध अपमिश्रित कच्ची शराब के साथ दो अभियुक्त राघवेंद्र चौहान व सोनू चौहान को राजगढ़ थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। 150 लीटर अपमिश्रित कच्ची शराब, 250 ग्राम नौसादर व 150 ग्राम यूरिया किया बरामद, भेजा जेल। जनपद के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जिला प्रशासन द्वारा बाढ़ पीड़ितों के लिए लगातार राहत सामग्री का किया जा रहा है वितरण। 14,000 राशन खाद्यान्न किट का किया जा चुका है वितरण। एडीएम फाइनेंस एवं आपदा प्रभारी राजेश कुमार सिंह ने कहा, तहसील ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सभी लोग हैं एक्टिव, समस्याओं का किया जा रहा है समाधान। अब खबरें विस्तार से। जनपद में बाढ़ का पानी कम नहीं हो रहा है, जिससे कई गांव इस बाढ़ के पानी से प्रभावित हो चुके हैं। जिसके संबंध में एडीएम फाइनेंस एवं आपदा प्रभारी राजेश कुमार सिंह ने बताया कि जनपद में राप्ती और घाघरा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। सबसे ज़्यादा बाढ़ से प्रभावित बढ़लगंज और गोला क्षेत्र है। बढ़लगंज में घाघरा नदी के कारण और गोला में राप्ती नदी के कारण गाँव प्रभावित हैं। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन और आपदा विभाग की तरफ से पर्याप्त नाव की व्यवस्था की गई है और मिट्टी का तेल, बिस्किट, पानी की बोतल, पानी के पाउच तथा लंच पैकेट उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि गोला क्षेत्र में 100 से अधिक गांव बाढ़ से प्रभावित हैं और जनपद में करीब 200 गांव प्रभावित हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस एवं आपदा प्रभारी राजेश कुमार सिंह ने कहा, Thank you.
स्टूडियो में किया नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह, EDM फाइनेंस गोरखपुर हूँ। हमारे जनपद में राप्ती और घाघरा दोनों ही अभी डेंजर लेवल से ऊपर चल रही हैं। सबसे ज़्यादा प्रभावित जो हमारा क्षेत्र है वो बड़हलगंज और गोला है। बड़हलगंज में घाघरा नदी के कारण और राप्ती के कारण स्थितियाँ काफ़ी ज़्यादा गांव प्रभावित हो गए हैं। हमने जिला प्रशासन की तरफ से और आपदा की तरफ से वहाँ पे पर्याप्त नावों की व्यवस्था कर रखी है। आज अभी मिट्टी का तेल मंगा लिया गया है जो शीघ्र ही डिस्ट्रीब्यूट कराया जाएगा। सूखा खाना भी, जिसमें बिस्किट है, पानी की बोतलें हैं, पानी का पाउच है, पेयजल है, सभी चीज़ें वहाँ के लिए उपलब्ध कराई जा रही हैं। सर, कितने गांव प्रभावित हैं? गोला क्षेत्र के 100 से अधिक गांव प्रभावित हो गए हैं और पूरे जनपद के लगभग 200 गांव प्रभावित हो गए हैं। ट्रकों का त्रिपाल काटकर माल चोरी करने वाले संगठित गैंग के फरार शातिर सरगना गैंगस्टर हिमांशु साहनी को गीडा पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, जिसके संबंध में SP नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने पुलिस लाइन के पुलिस सभागार कक्ष में प्रेसवार्ता करते हुए बताया कि गीडा पुलिस ने शनिवार को सेक्टर 23 से बोकटा डिहवा निवासी गैंगस्टर के आरोपी हिमांशु साहनी को अरेस्ट कर लिया। वह अपने साथियों के साथ मिलकर हाईवे किनारे रात में खड़े होने वाले ट्रकों का त्रिपाल काटकर सामान चोरी करता था, साथ ही यह शराब, गांजा आदि नशीले पदार्थों की तस्करी भी करता है। इसका एक संगठित गैंग है जिसमें कई सदस्य शामिल हैं। इस गैंग के अन्य सदस्य पहले ही जेल जा चुके हैं। हिमांशु साहनी 2021 से ही गैंगस्टर का केस दर्ज होने के बाद से ही फरार चल रहा था। उस पर 15,000 का इनाम भी घोषित है। मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया तथा उसे जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में गीरा थाना प्रभारी निरीक्षक राहुल कुमार सिंह, उप निरीक्षक बैजनाथ, उप निरीक्षक विवेक कुमार सिंह, कांस्टेबल यादवेंद्र यादव, धनंजय सिंह, दीपक सिंह यादव, रामनारायण शुक्ला, महिला कांस्टेबल कंचन कुशवाहा, सर्विलांस प्रभारी राजेंद्र सिंह, कांस्टेबल अमित मिश्रा, कांस्टेबल अरुण कुमार राय शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने कहा, छोड़ दिया? 1.5 साल हो गया। अच्छा, क्यों करते थे? शौक के लिए कैसे? नहीं, संगत में गलत था। अच्छा, गलत संगत की वजह से। पहले भी जेल गए तो पहले भी संगत में हो? कौन कौन है? मतलब सर, कोई सर ऐसा नहीं, सर 1.5 साल से सर मुझसे कोई बातचीत नहीं होती है। 1.5 साल से कोई अपराध तुम नहीं किए? अच्छा, ये बताओ तुम्हारे गांव में कितने अपराधी होंगे? 4-5 लोग। 4-5 लोग आ रहे हैं? मुझे तो लगता है जो जेल गए हैं, मतलब नहीं, जेल नहीं अपराधी नहीं। हम सर वहाँ गाँव में जल्दी गए ही नहीं सर, क्योंकि बचपन से 2016 से 2017 से रह रहे हैं। बचपन में बस्ती पड़े पड़ रहे थे वहाँ मामा के अपने। अच्छा, परिवार में कौन कौन है? मामा की एक सिस्टर है। मम्मी पापा नहीं? पिताजी 2012 में हुई। मम्मी 2018 में। मम्मी पापा नहीं है? इसमें उम्र नहीं पड़ी है क्या? प्रदेश पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा संगठित अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई के क्रम में थाना गीडा की टीम ने आज एक कुख्यात गैंगस्टर का अपराधी हिमांशु साहनी को गिरफ्तार किया गया है।
ये मुकदमा अपराध संख्या 264/21 धारा 3 यूपी गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत वांछित था और इसके ऊपर 15,000 रुपये का इनाम था। इसको आज प्रातः 11:40 पर गिरफ्तार किया गया है और इसको विधिवत कार्रवाई के उपरांत जेल भेजा जाएगा। इसके ऊपर करीब 7 मुकदमे हैं जिसमें एक गैंगस्टर का और बाकी चोरी और मादक पदार्थों की तस्करी के मुकदमे हैं। ये बोकटा गांव है, एक थाना गीडा के अंतर्गत, वहीं का रहने वाला। शनिवार को क्रेटा वाहन चार पहिया चोरी कर आसाम, नागालैंड एवं म्यांमार में बेचने वाले गिरोह के सदस्य खलीलुर रहमान पुत्र अबू बकर सिद्दीक खान निवासी कोकिला मौलवी पाड़ा थाना अभयापुरी जनपद बोगाई गांव आसाम व शेख मुबारक पुत्र शेख नथुनी निवासी सैदपुर रमैनी थाना शिकारपुर जनपद पश्चिमी चंपारण को 29 जनवरी 2022 को गिरफ्तार कर इनके पास से चोरी का क्रेटा वाहन बरामद किया गया था। इनके विरुद्ध 30 अप्रैल को गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई थी। 15 अक्टूबर को जिला मजिस्ट्रेट गोरखपुर के आदेश के क्रम में कैंट थाने के प्रभारी निरीक्षक शशिभूषण राय द्वारा अपराध से अर्जित की गई संपत्ति से खलीलुर रहमान द्वारा अपनी पत्नी रोजीना बेगम के नाम से एक क्विड चार पहिया वाहन खरीदा था। उक्त वाहन से ही चोरी की घटना करते थे तथा अपनी गाड़ी का नंबर लगाकर अपराध करते थे। चोरी के वाहन को अन्य राज्यों में ले जा कर बेचते थे। उक्त पर गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत खलीलुर रहमान द्वारा आपराधिक कृत्य से खरीदी गई क्विड गाड़ी जिसका मूल्य करीब 3,00,000 रुपया है, जिला मजिस्ट्रेट गोरखपुर के आदेश से कुर्क किया गया एवं वाहन को कैंट थाना के परिसर में खड़ा कराया गया। कुर्क करने वाले पुलिस टीम में कैंट थाना प्रभारी निरीक्षक शशिभूषण राय, कांस्टेबल जयप्रकाश यादव, कांस्टेबल विकास यादव, महिला कांस्टेबल आरती यादव शामिल रहे। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर सर्किट हाउस स्थित एनेक्सी भवन के सभागार में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया जिसके मुख्य अतिथि क्षेत्रीय अध्यक्ष एवं विधान परिषद सदस्य डॉ. धर्मेंद्र सिंह ने हस्ताक्षर कर एवं दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया तथा सीएमओ डॉ. आशुतोष कुमार दुबे ने बुके देकर उनका स्वागत किया। आपको बता दें कि इस गोष्ठी में जनपद से 200 CHO ने भाग लिया जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के साथ साथ अब मानसिक स्वास्थ्य के रोगियों के भी मददगार बनेंगे। जिसके संबंध में विधान परिषद सदस्य डॉ. धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार की मंशा है कि समाज स्वस्थ हो ताकि देश आगे जाए। समुदाय के स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने में CHO की अहम भूमिका है। मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों से CHO को जोड़ने से समुदाय को काफी लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि नकारात्मक विचार या हीन भावना आना, कम या ज्यादा सोना और अक्सर उलझन व घबराहट महसूस करना आदि से यदि कोई ग्रस्त है तो उसे तत्काल चिकित्सकीय परामर्श की आवश्यकता है। एक ही विचार मन में बार बार आना, एक ही कार्य करने की बार बार इच्छा होना, डर लगना, अनावश्यक शक होना, कानों में आवाज आना, मोबाइल या किसी नशे का लत होना आदि भी मानसिक रोग के लक्षण हैं। ऐसे लक्षण वाले लोगों की स्क्रीनिंग करें और उन्हें जिला अस्पताल में चलने वाली मानसिक रोग की OPD में भेजें। ऐसे रोगियों को उन निकटतम CSC और PSC पर भी भेजा जा सकता है कि जहां राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की टीम जाती है। वहीं CMO डॉ. आशुतोष कुमार दुबे ने बताया कि इस वर्ष 10 अक्टूबर को मनाए गए विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस की थीम मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण को वैश्विक प्राथमिकता बनाए की थी। इसे साकार करने के लिए आवश्यक है कि अगर मानसिक रोग के लक्षण दिखे तो बिना देरी और संकोच के अस्पताल की मदद लें। इस अवसर पर जिला अस्पताल के SIC डॉक्टर राजेंद्र कुमार ठाकुर, महिला अस्पताल के SIC डॉक्टर NK श्रीवास्तव,
ACMO RCH डॉक्टर नंद कुमार, DHEIO KN बर्नवाल सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए CMO डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे एवं भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष एवं विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा, कार्यक्रम आज इसकी शुरुआत की गई। विश्व के करीब 150 देशों का संगठन है इस कार्यक्रम के लिए और हर है इस बार का थीम जो है मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण को वैश्विक प्राथमिकता बनाए। ये थीम कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर हैं हमारे जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पे मैं बहुत ज़्यादा जबकि हमारी पूरी शिक्षित टीम है जो 5 लोगों की हमारी ये कहते हैं कि पांडवों की टीम है जो हर युद्ध जीत सकते हैं उनके समक्ष अगर मैं मानसिक रोग के बारे में बहुत ज़्यादा बोलूँगा तो शायद मैं ये लोग कहेंगे कि आप स्वयं मानसिक रोग हैं। मैंने सिर्फ इतना स्वास्थ्य की डेफिनेशन जो WHO ने दे रखी है शारीरिक मानसिक और स्पिरिचुअल जो होते हैं तीन होते हैं एक ट्राईपॉड होता है इसमें से अगर कोई भी गड़बड़ा जाता है तो हमारी जीवन की गाड़ी नहीं चल पाती है चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो चाहे हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ हो और चाहे हमारी मेंटल हेल्थ हो। मैंने जितना पढ़ा है सिर्फ इतना पढ़ा है मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति वही हो सकता है जो सत्य का अनुयायी हो जो धर्म का अनुचरण करता हो जो अपने समाज के बनाए हुए नियमों का पालन करता हो और जो संविधान का में आस्था रखता हो वह व्यक्ति कभी भी मानसिक रोगी नहीं हो सकता। मानसिक रोग तभी दिमाग में आता है जब हमें अतिरिक्त चाहत होती है हमारे अंदर एक ऐसी प्रतिस्पर्धा होती है जब हम अपने साथी को गिराने की कोशिश करते हैं या हम किसी प्रकार से अन्य अवसादग्रस्त हो जाते हैं या किसी भी चीज़ों को करने के लिए तो एक तरह से यह हमारी अपनी स्वयं की विकृति होती है सोच की वजह से होती है। जैसा कि भी हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि आजकल आदमी स्वकेंद्रित होता जा रहा है वो अपने चाहे मोबाइल पर होगा चाहे पति पत्नी के बीच में हो चाहे माता पिता के बीच में हो चाहे बच्चों के बीच में हो हम लोगों ने संवादहीनता इतनी ज़्यादा हो गई है। एक बड़ी पुरानी कहावत है कि बातें दीवार गिरा देती है। अगर हमारे मन में आपके प्रति कुछ कटुता है या आपके मन में हमारे प्रति कटुता है अगर निश्चित है अगर हम लोग एक टेबल पर बैठ कर के बात करेंगे 99% ये है कि हम लोगों की वो कटुता समाप्त हो जाए। गोरखपुर में जिस प्रकार से मेडिकल के क्षेत्र में स्वास्थ्य के क्षेत्र में चाहे वो केंद्र सरकार की के कार्यक्रम हो जागरूकता के या स्टेट गवर्नमेंट के राज्य सरकार के हर अभियान में जिस प्रकार से स्वास्थ्य विभाग बढ़ चढ़ कर के हिस्सेदारी करता है काम चिकित्सा के क्षेत्र में चाहे वैश्विक महामारी कोरोना की स्थिति हो रही हो या जागरूकता के लिए अनेक कार्यक्रम चले हों उसमें उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग में बढ़ चढ़ करके जो हिस्सेदारी होती है 2-4 जनपदों के नाम आते हैं उसमें गोरखपुर जनपद भी है। मैं गोरखपुर जनपद के सभी डॉक्टर्स पैरामेडिकल स्टाफ आप सबको इस सब के लिए अभियान में बढ़ चढ़ करके हिस्सेदारी लेने के लिए बधाई देता हूं। हमारे सभी डॉक्टर्स जो अभी हमारे पहले वक्ताओं ने अपनी बातें रखी हैं विश्व मानसिक रोग के बारे में जो 1992 से ये अभियान पूरे देश में पूरे विश्व में चल रहा है इसके बारे में विस्तार से मानसिक रोगों के में कैसे जागरूकता फैलाई जाए
जागरूकता अभियान चलाए जाएं और क्या क्या लक्षण होते हैं इसके बारे में विस्तार से सब लोगों ने बताया है। सरकार की भी मंशा है कि समाज स्वस्थ होगा तभी वो देश भी एक आगे बढ़ेगा, और इसके लिए मेडिकल के क्षेत्र में केंद्र सरकार या राज्य सरकार लगातार, मैं 2017 के पहले देख रहा था गोरखपुर में एक मेडिकल कॉलेज जो पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश का भार सहन करता, बीआरडी मेडिकल कॉलेज, बिहार के कुछ जिले और नेपाल के कुछ जिले भी इस पर आश्रित रहा करते थे, और 2017 के पहले आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जब 2017 के पहले सांसद के रूप में थे, रोज एमसीआई की मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की तलवार लटकती थी, रोज यहाँ पर उसकी मान्यता खतरे में है और कोई स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं होती थी उस समय भी, लगातार हम सब उस विषय को आगे बढ़ाते थे, लेकिन केंद्र में मोदी जी की सरकार आने के बाद और उत्तर प्रदेश में स्वयं 2017 से योगी जी की सरकार आने के बाद किस प्रकार से चिकित्सा के क्षेत्र में बदलाव हुए हम सब इसका आकलन कर सकते हैं। देखिए प्रत्येक वर्ष हम लोग जो है 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक रोग स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं और एक सप्ताह तक हमारा ये चलता है जिसमें हम लोग जो है एक साप्ताहिक विश्व मानसिक रोग दिवस का सप्ताह मनाते हैं, और हमारा यह कार्यक्रम जो है 1992 से शुरू हुआ था। इसकी मूल भावना ये थी कि लोगों में मानसिक रोग के प्रति जागरूकता पैदा करना, साथ ही साथ जो समाज में एक धारणा थी कि मानसिक रोगियों को हे दृष्टि से देखा जाता था उसको मिटाने के लिए था, और यह दिखाने ये था कि मानसिक रोग किसी दुष्परिणाम या किसी उसका नहीं होता है बल्कि शरीर में होने वाली रासायनिक क्रियाओं और मस्तिष्क में होने वाले रासायनिक क्रियाओं के कारण या जो हमारे एंजाइम्स होते हैं जब वो डिसबैलेंस हो जाते हैं तब हो जाते हैं। और ये देखा गया कि किसी भी देश के विकास के लिए व्यक्ति का मानसिक रूप से स्वस्थ होना अति आवश्यक है। शारीरिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति उतना सबल नहीं होता जितना शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ होता है। मानसिक रूप से स्वस्थ होने के लिए आध्यात्मिक रूप से भी स्वस्थ होना व्यक्ति का जरूरी है, तो इसलिए स्वस्थ व्यक्ति वही कहलाता है जो मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से और शारीरिक रूप से स्वस्थ हो। मानसिक रूप से सत्य व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि वह सत्य का फॉलोअर हो, वह पूरी तरह से आध्यात्मिक हो, संवेदनशील हो, तथा जो है अपने समाज के नियमों का पालन करने वाला हो। जो व्यक्ति इस तरह के होते हैं उनके निर्णय सदैव सार्थक होते हैं और वो देश निर्माण में सहायक होते हैं। इसीलिए हम लोग जो है एक जागरूकता पैदा करने के लिए कि मानसिक रोगी किसी प्रकार के उसके नहीं होते बल्कि ये एक तरह से शरीर में जो हमारे तमाम तरह के एंजाइम्स होते हैं जब वो डिसबैलेंस हो जाते हैं उनकी वजह से होते हैं। तो इसी सब पर जो है एक गोष्ठी करने के लिए, लोगों के जागरूकता पैदा करने के लिए एक जो कॉमन फ्रेज हमारी रही है रोग से घृणा करें रोगी से नहीं, इसी मूल भावना को लेकर के आज हम लोग समाज में जागरूकता के लिए, गोरखपुर की जनता में जागरूकता के लिए कि अगर कोई भी मानसिक रोगी उनके परिवार में या उनके समाज में या उनके इर्द गिर्द में है तो उसको वो हमारे यहाँ चाहे जिला अस्पताल में हमारे पास मानसिक रोग विशेषज्ञ हैं या हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज में मानसिक रोग विशेषज्ञ हैं, हमारे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में मेडिकल रोग विशेषज्ञ हैं, उनसे परामर्श लें और निश्चित रूप से है कि वो कुछ दिन इलाज कराएंगे तो मुख्य धारा में वो सम्मिलित हो जाएंगे। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर यहाँ पर एक संगोष्ठी आयोजित थी और संगोष्ठी में कैसे छोटी छोटी बातों को लेकर के जागरूकता अभियान चलाया जाए, कैसे लोग स्वस्थ रहें, इनके बारे में एक गोष्ठी थी। सारे विशेषज्ञ डॉक्टरों ने अलग अलग अपनी बातें कही है और उसके आधार पर हमारे जो CHO हैं जो 5,000 से 10,000 के बीच में जन जागरूकता अभियान को चलाते हैं वो सब लोग भी जिले भर के आए थे, सारे चिकित्सक थे, उसके बीच में उन सबको बीच में ये जागरूकता अभियान कैसे चलाया जाए और लोगों को स्वस्थ रहने के अलग अलग टिप्स दिए जाएं उसके बारे में ये गोष्ठी आयोजित।
पिपरौली क्षेत्र के पंडित जवाहरलाल इंटर कॉलेज जैतपुर में विद्यालय के संस्थापक प्रबंधक एवं प्रथम ब्लॉक प्रमुख पिपरौली स्वर्गीय रामजादा सिंह की मूर्ति का कॉलेज परिसर में अनावरण किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि दिनेश कुमार सिंह, उप लोकायुक्त उत्तर प्रदेश एवं विशिष्ट अतिथि सीपी चंद, पूर्व मंत्री एवं वर्तमान विधायक कैंपियरगंज फतेह बहादुर सिंह, सहजनवा के वर्तमान विधायक प्रदीप शुक्ला, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह, बार काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष वीरेंद्र शाही, एडवोकेट यशवंत सिंह, जिला सहकारी बैंक गोरखपुर के पूर्व अध्यक्ष रणविजय चंद, कालेसर के प्रताप सिंह, पूर्व जिला पंचायत सदस्य विजय बहादुर सिंह, वर्तमान ब्लॉक प्रमुख पिपरौली दिलीप यादव सहित आयोजन समिति के अध्यक्ष श्री जीत बहादुर सिंह, उच्चतम न्यायालय के सरकारी वकील गौरव सिंह, कंस्ट्रक्टर सौरभ सिंह आदि अन्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि दिनेश कुमार सिंह, उप लोकायुक्त उत्तर प्रदेश एवं पूर्व मंत्री एवं वर्तमान विधायक कैंपियरगंज फतेह बहादुर सिंह एवं सहजनवा विधायक ने संयुक्त रूप से फीता काटकर स्वर्गीय रामजादा सिंह की मूर्ति पर माल्यार्पण करके अनावरण कार्य संपन्न किया। उक्त अवसर पर विद्यालय के प्रबंधक प्रतिनिधि जीत बहादुर सिंह द्वारा भी अपने पूर्वज का माल्यार्पण एवं पुष्प अर्पित करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। कार्यक्रम के अगले क्रम में मुख्य अतिथि एवं सभी विशिष्ट अतिथि एवं अन्य क्षेत्र से आए गणमान्य व्यक्ति सभा में उपस्थित हुए। मुख्य अतिथि महोदय ने अपने उद्बोधन में कहा कि स्वर्गीय रामजादा सिंह ने इस विकास से पिछड़े क्षेत्र में विद्यालय की स्थापना करके एक पुनित कार्य किया, जिससे इस क्षेत्र की जनता वर्ष 1966 में विद्यालय स्थापना वर्ष के बाद से अनवरत शिक्षा के प्रकाश से प्रकाशित होती रही है। विशिष्ट अतिथि विधान परिषद सदस्य सीपी चंद जी ने भी स्वर्गीय रामजादा सिंह के शैक्षिक और सामाजिक योगदान पर प्रकाश डाला। वहीं सहजनवा के वर्तमान विधायक प्रदीप शुक्ल ने कहा कि स्वर्गीय रामजादा सिंह ने ब्लॉक प्रमुख रहते विद्यालय की स्थापना करके इस पिछड़े क्षेत्र में शिक्षा की जो ज्योति जलाई वह सदैव अमर रहे। कार्यक्रम में अन्य गणमान्य व्यक्तियों में कॉलेज के प्रधानाचार्य रामनवल यादव एवं शिक्षकगण हौसला सिंह, जयप्रकाश सिंह, राम मनोहर सिंह, प्रमोद सिंह, सुरेंद्र कुमार श्रीवास्तव, परशुराम शुक्ल आदि गणमान्य लोग उपस्थित रहे। भारतीय जनता पार्टी बेनीगंज स्थित महानगर कार्यालय पर नगर निगम चुनाव की बैठक की गई, जिसके संबंध में वन मंत्री एवं नगर निगम चुनाव के प्रभारी डॉक्टर अरुण सक्सेना ने बताया कि घर घर में कार्यकर्ता जाएं, जो बच्चे 18 साल के ऊपर हैं, जिनका नाम मतदाता सूची में नहीं है, ऐसे नए नाम जुड़वाएं एवं वार्ड स्तर पर कार्य करें। प्रभावशाली लोगों से संपर्क करना और धरातल पर हम अभियान करेंगे तो हमें बहुत बड़ी जीत मिलेगी। उन्होंने कहा कि बूथ स्तर पर कर बड़े व छोटे कार्यकर्ताओं को लगाकर कोई भी वोट छूटने ना पाए, इसकी तैयारी वोटर लिस्ट के आधार पर पहले से ही शुरू करें। विशेष मतदाता पुनरीक्षण अभियान में भी घर घर जाकर संपर्क करें। इस बैठक में महापौर सीताराम जायसवाल, प्रदेश कार्य समिति सदस्य राहुल श्रीवास्तव व महामंत्री देवेश श्रीवास्तव, अच्युतानंद शाही, इंद्रमणि उपाध्याय, ओम प्रकाश शर्मा, शशिकांत सिंह, सूर्य प्रकाश शर्मा, सिद्धांत घोष, अजय मणि त्रिपाठी, आनंद अग्रहरी, सत स्वीकृत अष्टभुजा श्रीवास्तव, रुपेश गुप्ता, छोटेलाल पासवान, अमितेश्वर पांडे, चंद्रपाल सिंह, शिवम पांडे, पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर निगम चुनाव के सह प्रभारी राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद तथा वन मंत्री एवं प्रभारी डॉक्टर अरुण सक्सेना ने कहा, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि वे और हम सब कार्यकर्ता हमेशा चाहते हैं कि एक बार माननीय रानी से स्वागत है, इस विचारधारा में खपाने वाले सम्मानीय अरुण सक्सेना जी, जो इस नगर निगम के चुनाव के विषय को लेकर के आवाज बुलंद करने वाले राज्यसभा के माननीय सांसद बाबूराम निषाद जी, जानकारी है भारतीय जनता पार्टी में यह का दायित्व ओबीसी मोर्चा में प्रदेश महामंत्री के नाम, गोरखपुर महानगर तो वैसे भी उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज का एक केंद्र है, चाहे वो नए मतदाता बनाने का अभियान,
चाहे वो कई बार कई वार्डों में ऐसे भी हर क्षेत्र के अंदर पहले तो मंडल में रखी मीटिंग और मंडल के बाद हर वार्ड में रखी मीटिंग, हर वार्ड में हमारा ये अभियान चलाना है और वोटर को बढ़ाना है, हर तरह से बढ़ाना है। इसके साथ ही साथ बूथ की भी देख लीजिए कि आपके कौन कौन से बूथ हैं, हर बूथ की बूथ के अध्यक्ष जो हों वो देखें, हमारे जो वार्ड के अध्यक्ष हों वो देखें। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा आबादी जहाँ लगभग बराबर की आबादी है, थोड़ी बहुत घटी बढ़ी है, हमारे इलाके का बूथ दूसरे इलाके में पड़ गया, तो हमारे यहाँ की महिलाओं को अक्सर वहाँ जाने में दिक्कत होती है। मालूम पड़ता है छोटी गली है, महिलाएं निकलने में थोड़ा एतराज करती हैं, अब दो चार लोग खड़े हो गए। नगर निगम चुनाव जीतने के लिए ये हमारी पहली बैठक है पदाधिकारियों के साथ में। निश्चित रूप से जब चुनाव है तो योजना रचना करेंगे, किस योजना के तहत ज़्यादा से ज़्यादा पार्षद हमारे जीतें, उसके लिए यहाँ बैठक की है। मंडल के हमारे अध्यक्ष, मंडल के हमारे प्रभारी और हमारे प्रदेश के प्रभारी जो जिले के बनाए गए हैं यहाँ महापौर के, वो और हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष। तो निश्चित रूप से अभी जो प्रश्न आपका इसके पहले था कि बोर्ड में ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य आपकी जीतें, इसकी योजना बहुत इस बार हम पार्टी के स्तर पर बहुत डीपली जाकर तय करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पार्षद जीतें, यहाँ मेयर तो जीतेंगे ही। हम लोगों ने आदरणीय प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में गोरखपुर में बहुत काम किया है, इतने काम किए हैं गिनाने आओ तो सुबह से शाम हो जाएगी। जो झील के किनारे जहाँ लोग शाम को जाने से घबराते थे, वहाँ पे आज महिलाएं और बच्चे घूमते हैं, खुश होते हैं, बच्चे गुब्बारा लेके खेलते हुए नज़र आते हैं, तो ये गोरखपुर में बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। उसके अलावा यहाँ की जो फैक्ट्री थी जो बंद थी उसको फिर से शुरू करा दिया, लोगों को रोज़गार मिला, यहाँ पर डेवलपमेंट बहुत हुआ, यहाँ की बिल्डिंग बनी है, यहाँ की सड़कें बहुत अच्छी हुई हैं, काम बहुत हुआ है। अब हमें जनता को बताना है कि नगर निगम के क्षेत्र में बहुत काम हुआ है और अब की बार नगर निगम के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को जिताना है, मेयर हमारा जिताना है, पार्षद हमारे जिताना है, यही आज की मीटिंग का मुख्य ध्येय है। अब की बार पार्षद भी हमारे बड़ी संख्या में जीतेंगे, हमारे अपने ही बहुत हैं और जब आएंगे तो देखा जाएगा, बाकी इस बात को तो हमारा लोकल पार्टी स्तर जो है वो देखेगा। देखिए हम पार्टी के लिए हैं, सभी जातियां हमारे लिए बराबर हैं, हम सभी जाति धर्मों का सम्मान करते हैं और सबका सम्मान करते हुए पार्टी निर्णय लेगी। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक पे जाने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। जनपद में राप्ती और घाघरा नदी के खतरे के निशान से ऊपर बहने से नहीं कम हो रहा है बाढ़ का पानी। एडीएम फाइनेंस एवं आपदा प्रभारी ने कहा जनपद में करीब 200 गांव बाढ़ से है प्रभावित, जिला प्रशासन और आपदा विभाग की तरफ से पर्याप्त की गई है व्यवस्था। ट्रकों का तिरपाल काटकर माल चोरी करने वाले संगठित गैंग के फरार शातिर सरगना 15,000 के इनामिया गैंगस्टर हिमांशु शाहनी को गीडा पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल, एसपी नॉर्थ ने दी जानकारी। अपराध से अर्जित की गई संपत्ति से गैंगस्टर खलीलुर रहमान द्वारा अपनी पत्नी रोजीना बेगम के नाम से खरीदे गए एक क्विड चार पहिया वाहन को कैंट थाने की पुलिस ने डीएम गोरखपुर के आदेश से किया कुर्क, किया वाहन को कैंट थाना के परिसर में खड़ा। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस की थीम मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण को वैश्विक प्राथमिकताओं पर गोष्ठी का किया गया आयोजन, कहा अगर मानसिक रोग के दिखे लक्षण तो बिना देरी और निसंकोच अस्पताल के लिए मदद। पिपरौली ब्लॉक के प्रथम ब्लॉक प्रमुख स्वर्गीय रामजादा सिंह की मूर्ति का मुख्य अतिथि उप लोकायुक्त उत्तर प्रदेश दिनेश कुमार सिंह ने किया अनावरण, कहा स्वर्गीय रामजादा सिंह ने 1966 में विकास से पिछड़े क्षेत्र में विद्यालय की स्थापना करके किया एक पुनित कार्य।
नगर निगम के चुनाव की तैयारियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी की बैठक हुई संपन्न। वन मंत्री एवं नगर निगम चुनाव के प्रभारी डॉक्टर अरुण सक्सेना ने कहा, भाजपा कार्यकर्ता विशेष मतदाता पुनरीक्षण अभियान में घर घर जाकर करें संपर्क, धरातल पर हम करेंगे कार्य तो हमें मिलेगी बहुत बड़ी जीत। आयुष विभाग द्वारा मंडलीय स्तरीय भाषण प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। कहा, मनुष्य जीवन में निरोगी रहना चाहता है तो एलोपैथ से दूर जाना होगा और आयुर्वेद की पद्धति को अपनाना होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन पर दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का महाराणा प्रताप महाविद्यालय में हुआ शुभारंभ। मुख्य अतिथि सीएम योगी के शिक्षा सलाहकार एवं यूजीसी के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर धीरेन्द्र पाल सिंह टीपी सिंह ने कहा, श्रेष्ठ भारतीय परंपराओं के अनुकूल विद्यार्थियों को वैश्विक नागरिक बनाना राष्ट्रीय शिक्षा नीति का है उद्देश्य। अवैध अपमिश्रित कच्ची शराब के साथ दो अभियुक्त राघवेंद्र चौहान व सोनू चौहान को राजगढ़ थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। 150 लीटर अपमिश्रित कच्ची शराब, 250 ग्राम नौसादर व 150 ग्राम यूरिया किया बरामद। फीचा जेल। और जनपद के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जिला प्रशासन द्वारा बाढ़ पीड़ितों के लिए लगातार राहत सामग्री का किया जा रहा है वितरण। 14,000 राशन खाद्यान्न किट का किया जा चुका है वितरण। एडीएम फाइनेंस एवं आपदा प्रभारी राजेश कुमार सिंह ने कहा, तहसील ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सभी लोग हैं एक्टिव, समस्याओं का किया जा रहा है समाधान। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आयुष विभाग द्वारा सर्किट हाउस स्थित भवन सभागार में जनपद व मंडलीय स्तरीय भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि पे प्रायश्चित विधायक महेंद्र पाल सिंह एवं सदर सांसद रवि किशन शुक्ला ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। जिसके संबंध में प्रायश्चित विधायक महेंद्र पाल सिंह ने बताया कि आयुष विभाग द्वारा भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। जो मनुष्य जीवन में निरोगी रहना चाहता है, मनुष्य चाहता है कि अधिक से अधिक अपना जीवन जी सके, तो इसके लिए आयुर्वेद पद्धति को अपनाना होगा और एलोपैथ से दूर जाना होगा और आयुर्वेद की पद्धति को अपनाकर हमें जीवन जीना होगा। उन्होंने आयुष मंत्रालय को बधाई देते हुए कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से आयुर्वेदिक के बारे में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगातार केंद्र सरकार की सभी योजनाओं को जमीन पर उतारने का काम किया है। इसी क्रम में पिपराइच विधानसभा में 300 करोड़ रुपए की लागत से गुरु गोरखनाथ आयुष विद्यालय बनकर तैयार हो रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर पशुपति नाथ तिवारी और पिपराइच के विधायक महेंद्र पाल सिंह एवं सदर सांसद रवि किशन शुक्ला ने कहा, मुझे ऐसा नहीं लगता सब बच्चों पता ही है, बिकॉज आप लोग भविष्य हो। ये भारत और भारत का इतिहास सबसे पुराना है और भारत जिन कारणों की वजह से विश्व में जाना जाता है उसमें आयुर्वेद, आयुष, योग, इसके लिए अब यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद विकास की गति स्वदेशी जहाज से लेके फाइटर प्लेन से लेके फाइटर हेलीकॉप्टर और सड़कें, बिजली, मकान, विकास व्यवस्थाएं, पूज्य महाराज जी की व्यवस्थाएं, उनके कार्यकाल में जो आप लोग देख रहे हो, आप लोग बड़े भाग्यशाली हो। आप लोग सही मायने में बताऊं बहुत भाग्यशाली इसलिए कि आप लोग का जन्म और आप लोग की जब होश संभालने की उम्र थी है उसमें आप लोग यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को जीवित देख रहे हो और पूज्य महाराज जी को और भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली को देख रहे हो।
और इसी दौरान यह ऐसी बैठकें होने लगी। ये मैं जब छोटा था या जब मैं सरकारी स्कूल में पढ़ता था गांव में, या जब मेरी गांव का मेरा जीवन रहा, या मैं शूटिंग के दौरान, मैं समस्त बिहार यूपी का कोई गांव नहीं था जहां मैंने भोजपुरी फिल्मों की शूटिंग नहीं किया, हिंदी फिल्मों की शूटिंग नहीं। मैंने कभी ये जागरूकता वाले मूवमेंट्स नहीं देखे, इसको मूवमेंट कहा जाता है। ये बैठक आज बहुत, मैं सभी लोगों को मैं साधुवाद दूंगा जिन्होंने इस आयुष के कॉन्वर्जेशन पे आज एक डिबेट रखा, एक चर्चा रखी, गोष्ठी रखी जहाँ बच्चे अपनी बातें रखें। आप लोगों ने अच्छे से प्रिपेयर भी किया होगा, आप आज आप लोग अच्छी बातें करेंगे, ये बातें रिकॉर्ड होंगी, ये बातें प्रधानमंत्री जी तक जाएंगी, बात मुख्यमंत्री जी तक जाएंगी, हमारे द्वारा जाएंगी, ये नमो ऐप पर भी जाएंगे। तो आप यहाँ जो जो बोलेंगे ट्विटर पे होगा, फेसबुक पे होगा, भारत सरकार देखेगी इसको, महाराज जी स्वयं देखेंगे इसको, आयुष से जुड़े हुए सारे प्रोफेसर देखेंगे इसको। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो महाराज जी ने पिपराइच में बहुत बड़ा आयुष महाविद्यालय की शुरुआत कर दी, करीबन 300 करोड़ से ज्यादा की लागत। अब ये विद्यालय आप लोग इतने भाग्यशाली हैं कि गोरखपुर में बन रहा है, समस्त उत्तर प्रदेश में का पहला विश्वविद्यालय होगा जो आयुष पर होगा। और यहाँ पे विदेश के बच्चे भी आएंगे। मैं अभी फॉरेन गया था, मुझे प्रधानमंत्री जी ने 5 देश की यात्रा पे भेजा था, तो मैं वहाँ के बच्चों को भी, वहाँ पे मैं यूनिवर्सिटी में गया, मैक्सिको, एक लैटिन अमेरिका जगह है, वहाँ के बच्चों के साथ ऐसे ही बहुत सारे बच्चे थे और मुझे वहाँ बोलना थी, और उनकी सबसे ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी आयुष पर। तो मैंने कहा कि हमारे गोरखपुर में आयुष महाविद्यालय विश्वविद्यालय बन रहा है, आयुष विश्वविद्यालय जो पूज्य महाराज जी, केंद्र सरकार, राज्य सरकार के द्वारा स्थापित हो रहा है, मुझे लगता है 1 साल में रेडी द्वारा प्रिस्क्राइब होती है। ये सब शरीर के लिए, आयुष जो देश के साथ, जो जड़ी बूटियों के साथ रहा, या जो घर की चीज़ें रही, या घर से हमारी जो माताएं हों, तो ये सारी जो हमारे आसपास की प्रकृति से जन्मी चीज़ें हैं वो हमारे शरीर के साथ निकली है। तो हमारे प्रकृति से ऊंची हुई चीजों के साथ हम अपने शरीर को कैसे उसका उपचार करते हैं। सर कार्यक्रम में डॉक्टर प्रभाशंकर मन जी, मीना पुष्कर बोबरे जी, ज्वाला प्रसाद मिश्र जी, डॉक्टर पशुपतना तिवारी आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी गोरखपुर, उत्तर प्रदेश आयुष विभाग द्वारा जिला स्तरीय भाषण प्रतियोगिता आज आयोजित है 15 तारीख। इस प्रतियोगिता का विषय है मेरे दैनिक जीवन में आयुर्वेद की उपयोगिता। इस पे सभी जनपद के, गोरखपुर जनपद के सभी स्कूलों से बच्चे प्रतिभाग कर रहे हैं और वे इस पे भाषण प्रतियोगिता आयोजित है, और इस प्रतियोगिता में पुरस्कार भी है, जिसका प्रथम पुरस्कार है 5,000 रुपये और द्वितीय पुरस्कार है 2,000 रुपये, तृतीय पुरस्कार 1,100 रुपये और सांत्वना पुरस्कार 501 रुपये है। लास्ट मंडल स्तरीय प्रतियोगिता 17 तारीख को है, उसमें पूरे मंडल के लोग आएंगे, तो उसका भी तो वो आयोजित होगा। इसका उद्देश्य है कि आयुर्वेद का प्रचार प्रसार और लोगों को पता चले कि हमारे डेली यूज में आयुर्वेद की औषधियाँ कैसे यूज कर सकते हैं और क्या बेनिफिट है उसका, इस पर जागरूकता है। तो और आयुर्वेद दिवस 23 अक्टूबर को मनाया जाएगा। देखिए आज जो प्रतियोगिता आयोजित किया गया आयुष मंत्रालय के द्वारा, आयुर्वेद का मनुष्य के जीवन में महत्व क्या है, इस विषय पर यहाँ पर प्रतियोगिता आयोजित की गई है। मैं आयुष मंत्रालय को इस जन जागरण अभियान के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ। देखिए मनुष्य जीवन में निरोगी रहना चाहता है, उसकी काया सुंदर होनी चाहिए, धरा पर वो चाहता है कि अधिक से अधिक हम अपना जीवन जिए, तो इसके लिए हमें आयुर्वेद की पद्धति को अपनाना होगा, एलोपैथ से हमें दूर जाना होगा, और आयुर्वेद की पद्धति को अपना करके हमें जीवन में जो धन्वंतरी जी ने जो आयुर्वेद के जो डॉक्टर रहे हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं आज के इस कार्यक्रम में, क्योंकि आयुर्वेद ही एक ऐसा माध्यम है कि प्रकृति की जो संरचना है हमारे वातावरण में हर जगह वो उपलब्ध है, केवल हमें जानकारी का अभाव है।
और अगर मनुष्य को उसके बारे में जानकारी रहेगी तो मैं समझ सकता हूँ कि हर व्यक्ति को अपने पास ही घर के जितनी भी हमारे घरों के अंदर जितने तरह के, मैंने अभी यहाँ अपने उद्बोधन में कहा कि जैसे मुझे विटामिन सी की ज़रूरत है तो हम आंवले से प्राप्त कर सकते हैं, अगर हमको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है हम लहसुन गार्लिक जिससे हम उसको ठीक कर सकते हैं। हमें अगर जैसे गिलोय था कोरोना कालखंड में, गिलोय ने बहुत अच्छा कार्य किया, हम सब पेड़ों पर गिलोय को देखते थे, हम सबों को यह जानकारी नहीं थी कि गिलोय से हम अपने इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत कर सकते हैं, लेकिन कोरोना ने हमें सिखा दिया कि मनुष्य को अगर जीना है तो ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, पानी गर्म पीना चाहिए। गिलोय का काढ़ा बना करके पूरे भारत के लोगों ने पिया और अपने इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत किया, और मैं कह सकता हूँ कि 125-30 करोड़ के आबादी का भारत पूरे दुनिया में यह दिखा दिया कि आबादी के दृष्टिकोण से भारत बहुत बड़ा है, लेकिन मरने की जो डेथ हुई थी कोरोना काल में विश्व में सबसे कम हुई थी। और ये कहीं न कहीं ये जो आयुर्वेद पद्धति है उसको अपना करके, गिलोय को अपना करके जो काढ़ा लोगों ने पिया, गर्म पानी पिया, तो उससे जो लोगों को जीवन मिला, मैं बधाई देना चाहता हूँ आयुष मंत्रालय को आज के इस कार्यक्रम के लिए कि लोगों को जागरूक करने का इससे अच्छा इससे बेहतर कोई माध्यम नहीं हो सकता है। और मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी अपने मुख्यमंत्री जी को कि जो लगातार केंद्र सरकार की सभी योजनाओं को धरती पर अपने उत्तर प्रदेश की उतारने का कार्य किया है, पिपराइच विधानसभा में गुरु गोरक्षनाथ आयुष विश्वविद्यालय जो 300 करोड़ रुपए की लागत से बन करके तैयार हो रहा है, निश्चित है आने वाले दिनों में वो मील का पत्थर साबित होगा। धन्यवाद। बहुत अच्छा थॉट था बच्चों के लिए और बच्चे इसको बड़ा अच्छा आज आयुष पर बात करेंगे, आयुष पर चर्चा करेंगे, तो एक ये अच्छा थॉट रहा और ये मैं इसको साधुवाद देता हूँ कि ऐसे थॉट को पूज्य महाराज जी की सरकार में, डबल इंजन की सरकार, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के इसमें आदेश निर्देश में इसको किया जा रहा है, जहाँ पे ये ज्ञान होगा कि हम लोग लोकल रेमेडीज के साथ कैसे आगे बढ़ें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शिक्षा सलाहकार एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर धीरेन्द्र पाल सिंह टीपी सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मूल उद्देश्य युगानुकूल श्रेष्ठ भारतीय परंपराओं का भान कराते हुए विद्यार्थियों को वैश्विक नागरिक बनाना है। हर विद्यार्थी में असीमित शक्तियाँ अंतर्निहित होती हैं, यह शिक्षा नीति उनको पहचान कर उसी के अनुकूल आगे बढ़ाने पर जोर देती है। प्रोफेसर सिंह शनिवार को महाराणा प्रताप महाविद्यालय जंगल दूषण में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और उसका क्रियान्वयन विषय पर आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के शुभारंभ सत्र को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। महाविद्यालय के बीएड विभाग तथा उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की तरफ से आयोजित संगोष्ठी में उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति मातृभाषा में ज्ञान देते हुए विद्यार्थियों को जड़ों से जोड़ने के बावजूद किसी अन्य भाषा से द्वेष भावना ना रखने की सीख देती है। शिक्षा नीति में वैश्विक नागरिक के निर्माण के संदर्भ को और स्पष्ट करते हुए बताया कि भारतीय आध्यात्मिक संस्कृति ने कभी विश्व को बाजार नहीं माना, हम समूचे विश्व को कुटुंब मानते हैं। इसी के अनुरूप राष्ट्रीय शिक्षा नीति श्रेष्ठ सनातनी परंपराओं, सांस्कृतिक विरासत, पहचान, भाषाओं, कलाओं के संरक्षण संवर्धन हेतु बनाई गई है। प्रोफेसर सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति यह समझाती है कि हमें भारत को हर संदर्भ में सक्षम और समृद्ध बनाने के लिए पीछे मुड़कर देखना है और फिर आगे बढ़ना है। सीएम योगी के शिक्षा सलाहकार एवं यूजीसी के पूर्व चेयरमैन प्रोफेसर सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री की मनसा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आलोक में मूल्य परकता व राष्ट्रीयता को ध्यान में रखते हुए गोरखपुर को बहुविषयक शिक्षा का हब बनाते हुए नॉलेज सिटी बनाने की है, उसी के अनुरूप रोड मैप तैयार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री की दृष्टि बेसिक शिक्षा से लेकर माध्यम, उच्च व तकनीकी शिक्षा पर समग्र रूप से है, क्योंकि बेसिक व माध्यमिक शिक्षा की मजबूती से ही उच्च व तकनीकी शिक्षा की सार्थकता सिद्ध हो पाएगी। राष्ट्रीय संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र में बीज वक्तव्य देते
हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य एवं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली में इतिहास विभाग के आचार्य प्रोफेसर मजहर आशिफ ने कहा कि सनातन भारतीय संस्कृति शिक्षा की बजाय ज्ञान देने की बात करती है। शिक्षा ज्ञान नहीं है बल्कि ज्ञान तक पहुँचने का रास्ता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी शिक्षा के रास्ते पर संस्कार प्राप्त करते हुए ज्ञान देने पर जोर देती है। प्रोफेसर मजहर ने कहा कि इस शिक्षा नीति में मातृभाषा की महत्ता को माना गया है क्योंकि मौलिक चिंतन मातृभाषा में ही स्वाभाविक होता है। उन्होंने कई रोचक उदाहरणों के जरिए समझाया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बुनियाद उस सनातन संस्कृति पर रखी गई है जो 50,000 वर्षों बाद भी अक्षुण्य है। सनातन संस्कृति के समकालीन 65 सभ्यताएं थीं, लेकिन सनातन के अलावा अन्य सभ्यताएं या तो समाप्त हो गई या उनका अन्य नामकरण हो गया। संगोष्ठी की अध्यक्षता करते हुए दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह ने कहा कि वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनने के लिए यह आवश्यक है कि हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अपने शिक्षा संस्थाओं में सही और प्रभावी तरीके से लागू करें। इसमें कोई परेशानी भी नहीं होनी चाहिए क्योंकि यह शिक्षा नीति लचीलापन प्रदान करती है। इस अवसर पर महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ का स्मरण करते हुए प्रोफेसर सिंह ने कहा कि गोरखपुर विश्वविद्यालय की स्थापना में ब्रह्मलीन महंत जी का अविस्मरणीय योगदान है। संगोष्ठी के विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर आशीष श्रीवास्तव डीन स्कूल ऑफ एजुकेशन महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी तथा प्रोफेसर रामानंद पांडे निदेशक सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च एंड गवर्नेंस नई दिल्ली ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सटीक क्रियान्वयन हेतु सबको शिक्षा के केंद्र में लाने की अपील की। प्रोफेसर आशीष ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में विद्यार्थियों के साथ शिक्षकों के लिए भी विशेष दृष्टिकोण दिया गया है। इस पर ध्यान देकर ही भारत को विश्व गुरु बनाने की परिकल्पना को साकार किया जा सकेगा। प्रोफेसर रामानंद ने कहा कि शिक्षा के केंद्र में विद्यार्थी शिक्षक समाज सबको शामिल न करने पर शिक्षा नीति सिर्फ दस्तावेज बनकर रह जाएगी। राष्ट्रीय संगोष्ठी के उद्देश्यों पर प्रस्ताविकी रखते हुए महाराणा प्रताप महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर प्रदीप कुमार राव ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ के विचारों के अनुरूप है। ब्रह्मलीन महंत जी ने 5 दशक पूर्व शिक्षा व्यवस्था में राष्ट्रीयता और मूल्य परकता की जिन संकल्पनाओं को देश की संसद में रखा था उन्हें राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने अंगीकार किया है। प्रोफेसर राव ने कहा कि 1964 में गठित शिक्षा आयोग की अनुशंसाओं पर रिपोर्ट देने के लिए 1967 में संसदीय समिति का गठन किया गया था। गोरखपुर से तत्कालीन सांसद ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ भी समिति के सदस्य थे। तब उन्होंने उस समय के शिक्षा नीति से यह कहते हुए असहमति जताई थी कि शिक्षा राष्ट्रीय विकास के साथ सांस्कृतिक सामाजिक आर्थिक उन्नति का संबल व साधन है। इसमें राष्ट्रीयता को उच्च प्राथमिकता देनी चाहिए, पर उस समय की नीति में शिक्षा की मूल समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया गया। प्रोफेसर राव ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की मूल भावनाएं 1932 में स्थापित महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के मूल उद्देश्यों से जुड़ी हुई है। ऐसे में शिक्षा परिषद की सभी संस्थाएं अपने संस्थापक के सपनों को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन को तत्पर है। सभी संस्थाओं ने इसे लागू करने की कार्ययोजना बना ली है। कार्यक्रम का संचालन संगोष्ठी की संयोजक सचिव महाराणा प्रताप महाविद्यालय में बीएड विभाग की अध्यक्ष शिप्रा सिंह ने किया। इस अवसर पर गोरखनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ, गोरखपुर विश्वविद्यालय में बीएड विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर शोभा गौंड, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के पदाधिकारी सदस्य, शिक्षा परिषद के सभी संस्थाओं के प्रमुख, शिक्षक, शोधार्थी व छात्र मौजूद रहे। संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन को लेकर महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की 5 संस्थाओं ने अपनी प्रस्तुति दी। इस दौरान प्रोफेसर धीरेन्द्र पाल सिंह, प्रोफेसर मजहर आशिफ, प्रोफेसर रामानंद पांडे, प्रोफेसर राजचरण शाही, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के सदस्य प्रमथ नाथ मिश्र, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के सेवानिवृत्त आचार्य डॉक्टर राजेंद्र भारती, दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर शैलेंद्र प्रताप सिंह व डॉक्टर प्रदीप कुमार राव मंचासीन रहे।
प्रेजेंटेशन देखने के बाद प्रोफेसर धीरेन्द्र पाल सिंह ने अपने सुझाव भी दिए। इसके अलावा प्रथम तकनीकी सत्र में गोरखपुर विश्वविद्यालय में बीएड विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर शोभा गौड़ की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय के शिक्षा संकाय में सहायक आचार्य डॉक्टर मीतू सिंह, महंत अवैधनाथ राजकीय महाविद्यालय जंगल कौड़िया के सहायक आचार्य डॉक्टर अमरनाथ तिवारी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन को लेकर कई महत्वपूर्ण उप विषयों पर मंथन किया। इस सत्र में प्रतिवेदक की भूमिका महाराणा प्रताप महाविद्यालय में बीएड विभाग के सहायक आचार्य श्रीमती साधना सिंह ने निभाई, जबकि संचालन सहायक आचार्य श्रीमती अनुभा श्रीवास्तव ने किया। अवैध अपमिश्रित कच्ची शराब के साथ दो अभियुक्तों को राजघाट थाने की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। राजघाट थाना प्रभारी संजय कुमार मिश्रा के नेतृत्व में तथा चौकी प्रभारी कुंवर गौरव सिंह द्वारा 150 लीटर अपमिश्रित कच्ची शराब, 150 ग्राम यूरिया एवं 250 ग्राम नौशादर के साथ दो अभियुक्त राघवेंद्र चौहान पुत्र शिवनंद चौहान निवासी लक्ष्मीपुर थाना गोरखनाथ, सोनू चौहान पुत्र गजराज चौहान निवासी सरिया तिवारी थाना खजनी को गिरफ्तार किया गया है, जिनको आईपीसी व 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया तथा गिरफ्तार दोनों अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली टीम में राजघाट थाना प्रभारी संजय कुमार मिश्रा, टीपी नगर चौकी प्रभारी कुंवर गौरव सिंह, कांस्टेबल पवन यादव, देवेंद्र यादव, रवि कुमार शामिल रहे। जनपद के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जिला प्रशासन द्वारा बाढ़ पीड़ितों के लिए लगातार राहत सामग्री का वितरण किया जा रहा है, जिसके संबंध में एडीएम फाइनेंस एवं आपदा प्रभारी राजेश कुमार सिंह ने बताया कि जनपद की सातों तहसीलों में जो सबसे ज्यादा प्रभावित गांव हैं, चुकोला सदर और चौरी चौरा तहसील, बाढ़ राशन खाद्यान्न किट 14,000 पैकेट वितरण किया गया है तथा बड़हलगंज क्षेत्र में पका हुआ भोजन भी दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि तहसील ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कंट्रोल रूम बनाया गया है, सभी लोग एक्टिव रूप में काम कर रहे हैं तथा ब्लॉक के प्रधानों से वार्ता कर समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस एवं आपदा प्रभारी राजेश कुमार सिंह ने कहा, नमस्कार, मैं राजेश एडीएम फाइनेंस गोरखपुर हूं। हमारे जनपद की सातों तहसीलों के जो प्रभावित गाँव हैं, जिनमें सबसे अधिक गोला, इसके बाद सदर तहसील और सबसे कम प्रभाव चौरी चौरा तहसील में है, सभी जगह राशन जो खाद्यान्न किट थी जो लगभग 40 किलो की है, अब तक लगभग 14,000 पैकेट डिस्ट्रीब्यूट किए जा चुके हैं, बाकी पैकेट पाइपलाइन में हैं। कई स्थल ऐसे हैं जहां पर खाने पीने की सामग्री भी भेजने की आवश्यकता पड़ रही है, जिसमें बड़हलगंज क्षेत्र है, वहाँ पर पका हुआ राशन निरंतर आपूर्ति किया जा रहा है। हमने कंट्रोल रूम ब्लॉक में भी बना रखा है, तहसील में भी बना रखा है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी है। प्रोएक्टिव रूप से हम लोग ब्लॉक के माध्यम से सभी प्रधान जी लोगों से वार्ता कर रहे हैं, समस्याएँ पूछ रहे हैं और यथासंभव उसका समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं। गोरखपुर न्यूज़ में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। जनपद में राप्ती और घाघरा नदी के खतरे के निशान से ऊपर बहने से नहीं कम हो रहा है बाढ़ का पानी। एडीएम फाइनेंस एवं आपदा प्रभारी ने कहा, जनपद में करीब 200 गांव बाढ़ से है प्रभावित, जिला प्रशासन और आपदा विभाग की तरफ से पर्याप्त की गई है व्यवस्था। ट्रकों का तिरपाल काटकर माल चोरी करने वाले संगठित गैंग के फरार शातिर सरगना 15,000 के इनामिया गैंगस्टर हिमांशु शाहनी को गीडा पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल, एसपी नॉर्थ ने दी जानकारी। अपराध से अर्जित की गई संपत्ति से गैंगस्टर खलीलुर रहमान द्वारा अपनी पत्नी रोजीना बेगम के नाम से खरीदे गए एक क्विड चार पहिया वाहन को कैंट थाने की पुलिस ने डीएम गोरखपुर के आदेश से किया कुर्क, किया वाहन को कैंट थाना के परिसर में खड़ा। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस की थीम मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण को वैश्विक प्राथमिकताओं पर गोष्ठी का किया गया आयोजन, कहा अगर मानसिक रोग के दिखे लक्षण तो बिना देरी और निसंकोच अस्पताल के लिए मदद।
पिपरौली ब्लॉक के प्रथम ब्लॉक प्रमुख स्वर्गीय रामजादा सिंह की मूर्ति का मुख्य अतिथि उप लोकायुक्त उत्तर प्रदेश दिनेश कुमार सिंह ने किया अनावरण। कहा, स्वर्गीय रामजादा सिंह ने 1966 में विकास से पिछड़े क्षेत्र में विद्यालय की स्थापना करके किया एक पुनित कार्य। नगर निगम के चुनाव की तैयारियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी की बैठक हुई संपन्न। वन मंत्री एवं नगर निगम चुनाव के प्रभारी डॉक्टर अरुण सक्सेना ने कहा, भाजपा कार्यकर्ता विशेष मतदाता पुनरीक्षण अभियान में घर घर जाकर करें संपर्क, धरातल पर हम करेंगे कार्य तो हमें मिलेगी बहुत बड़ी जीत। आयुष विभाग द्वारा मंडलीय स्तरीय भाषण प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। कहा, मनुष्य जीवन में निरोगी रहना चाहता है तो एलोपैथ से दूर जाना होगा और आयुर्वेद की पद्धति को अपनाना होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन पर दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का महाराणा प्रताप महाविद्यालय में हुआ शुभारंभ। मुख्य अतिथि सीएम योगी के शिक्षा सलाहकार एवं यूजीसी के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर धीरेन्द्र पाल सिंह टीपी सिंह ने कहा, श्रेष्ठ भारतीय परंपराओं के अनुकूल विद्यार्थियों को वैश्विक नागरिक बनाना राष्ट्रीय शिक्षा नीति का है उद्देश्य। अवैध अपमिश्रित कच्ची शराब के साथ दो अभियुक्त राघवेंद्र चौहान व सोनू चौहान को राजगढ़ थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। 150 लीटर अपमिश्रित कच्ची शराब, 250 ग्राम नौसादर व 150 ग्राम यूरिया किया बरामद। पीछा जेल। और जनपद के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जिला प्रशासन द्वारा बाढ़ पीड़ितों के लिए लगातार राहत सामग्री का किया जा रहा है वितरण। 14,000 राशन खाद्यान्न किट का किया जा चुका है वितरण। एडीएम फाइनेंस एवं आपदा प्रभारी राजेश कुमार सिंह ने कहा, तहसील ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सभी लोग हैं एक्टिव, समस्याओं का किया जा रहा है समाधान। अब मुझे दी इजाजत, नमस्कार।